हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेसा रीगेन हेयर ग्रोथ ऑयल के बारे में। तो दोस्तों, आप पहले ही जानते होंगे सेसा का ऑयल आता था, उसके शैम्पू भी है, उसका अभी टॉनिक भी आ गया है जिसका रिव्यू मैं बहुत जल्द करूंगी क्योंकि उसको मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। तो ये ऑयल को भी मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ और इसका बेनिफिट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी, ये सच में काम करता है कि नहीं। तो दोस्तों, क्योंकि सेसा का जो ऑयल था वो मुझे मेरे मतलब मुझ में काम ही नहीं किया था, आप जब मेरे हेयरफॉल को एकदम नहीं कम किया था और मेरा हेयर जो है बहुत रफ हो गया था। तो सेकेंड में ये जो नया आया है सेसा रीगेन हेयर ग्रोथ ऑयल, इसको मैंने यूज़ की हूँ, कम से कम 2 महीना यूज़ की हूँ क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद ही मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। इसको कम से कम 4 महीना यूज़ करने के लिए इसकी कंपनी बोला है, पर मैं इसको 2 महीने यूज़ करके आपके साथ शेयर करूँगी रिव्यू। तो दोस्तों, पहले इसकी प्राइस और इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसका प्राइस है 350 रुपीज़, ये 100 ml पैक में आता है। अगर आप किट समेत लेते हो तो ये आपको पड़ेगा 445 रुपीज़। इस किट में एक मसाज वाला जो कॉम्ब होता है वो है, आप इसको ऑयलिंग करने के बाद उससे हेड मसाज कर सकते हो। तो किट समेत अगर आप लेते हो तो 445 रुपीज़ आपको पड़ेगा। इस ऑयल में 26 मेडिकल हर्ब्स हैं, 6 एसेंशियल ऑयल है और प्योर काउ मिल्क है। तो दोस्तों, इसमें काउ मिल्क ऐड हुआ है, साथ ही साथ इसमें विंगराज, सूद, धतूरा, त्रिफला, लेमन ऑयल भी यूज़ हुआ है। ये पूरी तरीके से एक हर्बल ऑयल है और ये इसमें सल्फर नहीं है, इसमें पारावेन नहीं है, इसमें मिनरल नहीं है और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर का भी यूज़ नहीं हुआ है। इसको आपको वीकली 2 बार यूज़ करना है। अगर ठंडा के दिन में, विंटर में आप यूज़ कर रहे हो तो इसको थोड़ा सा गर्म करके यूज़ कीजिए, जो कि डबल बॉइलिंग होता है। गर्म पानी के ऊपर एक कटोरा रख के उसको गर्म करके अपने मसाज कीजिए हेयर पे। और नॉर्मल समर में और रेनी में नॉर्मल जैसे टेम्परेचर रहता है उसी हिसाब से इसको यूज़ करें। अच्छे से इसको पहले रूट में लगा के उसमें अच्छे से मसाज कीजिएगा दोस्तों। उसमें पूरा रूट से हेयर के नीचे तक आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस स्कैल्प पे ही आपको लगाना पड़ेगा। स्कैल्प पे ही लगा के अच्छे से मसाज कीजिए। 100 ml है, आपको कम से कम 1 महीना चल जाएगा अगर आप ओनली स्कैल्प पे लगाते हैं। अगर आप पूरा स्कैल्प से लेके हेयर तक पूरे लेंथ में लगा रहे हैं तो बहुत कम ही दिन चलेगा। रात में लगा के सुबह शैम्पू कर दीजिए। आपका जो भी माइल्ड शैम्पू में आप शैम्पू कीजिए या सेसा का भी शैम्पू आता है उसको भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों, ये क्लेम करता है कि ये आपके हेयर फॉल को 55% रिड्यूस करेगा, साथ ही साथ न्यू हेयर को ये ग्रो करेगा, न्यू हेयर ग्रो होगा 95% दोस्तों। तो दोस्तों, हेयर फॉल तो ऐसे ही होता है, अगर न्यू हेयर ग्रो नहीं होगा तो हमारा जो स्कैल्प है वो दिखने लगेगा, हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए न्यू हेयर ग्रो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये 95% आपको क्लियर करेगा 4 महीने में बोला है। तो अभी मैं अपनी खुद की रिव्यू शेयर करूँगी, इसको मैं कम से कम 2 महीना यूज़ की हूँ। तो दोस्तों, मेरा आगे का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा थिन हो गया था क्योंकि मेरा कुछ मेडिकल इश्यू था, तो वो अभी नया जो बेबी हेयर आने लगा है शायद इस ऑयल की वजह से, क्योंकि मेरा मेडिसिन भी चल रहा है तो वो बेबी हेयर आने लगे हैं और हेयर फॉल नहीं रिड्यूस हुआ है अभी तक, जैसे कि ये बोला 55%। और 2 महीने में यूज़ करके देखूंगी तो देखते उसके बाद ही आपको पूरी रिव्यू शेयर करूंगी। पर मेरा जो न्यू हेयर ग्रो, न्यू हेयर आने लगा है, बेबी हेयर आने लगा है, इसके लिए मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हेयर फॉल होना वो तो हो जाएगा, पर अगर न्यू हेयर नहीं होगा, नहीं न्यू हेयर ग्रो हुआ तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों, आप अगर इसको ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार ट्राई करके देखिए, चाहे आपको आप पे सूट हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों का इनर प्रॉब्लम भी होता है अंदर से, खाने पीने या कोई विटामिन डेफिशिएंसी भी हेयर फॉल हो, इसीलिए पूरी हेल्थ चेकअप के बाद आप कोई भी मेडिसिन या ऑयल स्टार्ट कीजिएगा अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो इस ऑयल को एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट ही देगा और हेयर को बहुत ही सॉफ्ट करता है, शाइनी भी कर देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगे। थैंक यू।